हेलो गाइस, राधे राधे, नमस्ते। और अभी कुछ अंधेरा आ रहा था क्योंकि पीछे से लाइट आ रही थी और हैप्पी थी सभी लोगों को। और मैं बनाने जा रही हूँ अब खाना। कुछ खाना मैंने बना लिया है, मैं बाद में रेडी हुई थी। और आप कुछ खाना अब बना रही हूँ। संजीव अभी ड्यूटी से आए हैं और मैं उठ गई थी 5:30। और ये मैंने बनाए हैं पूड़े। ये आटा को अच्छे से बैटर बनाया उसका, उसमें चीनी ऐड की और जो भी ड्राई फ्रूट्स ऐड किए और थोड़ी सी मैंने सौंफ भी ऐड की क्योंकि अच्छी लगती है। और ये काफ़ी अच्छे से फूल के मुझे रेडी ऐसे हो लग रहा गए है थे। जैसे देखिए भूख लग पूड़े रहा हो। कितने अच्छे बने हुए हैं। और बाकी के तो खाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छे फूल रहे थे। और मैंने बनाई है छोले की सब्जी। और फिर मैंने सोचा कि चलो अब पूड़ियाँ भी बना ही लेते हैं। तो मेरा ना पूड़ी का आटा हमेशा ही सॉफ्ट हो जाता है। जब हम घर पर थे तो मदर कहती थी पूड़ी का आटा थोड़ा सा ना थोड़ा सा हार्ड लगाते हैं, मतलब टाइट होना चाहिए थोड़ा, तो पूड़ियाँ अच्छी बनती हैं। बट जब मैं लगाती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कर देती हूँ। बट जब वो रखा रहता है तो वो थोड़ा और सॉफ्ट हो जाता है। बट ठीक है, पूड़ियाँ अच्छी बन रही थी। बट हाँ, ये पूड़ी नहीं फूली और बाकी की पूड़ियाँ अच्छे से फूल रही थी। और बस श्रियांश के डैडी भी श्रियांश को रेडी करने के लिए जा रहे हैं। मैंने बोला उसको भी तैयार कर दो क्योंकि पूजा में वो भी साथ। कितनी मिट्टी थोड़ी सी ला दी तो कुछ चप्पू देते हो। ये चप्पू देख के जब ये बन गई है पूड़ियाँ। ये मैंने बनाए लड्डू। मैंने कोई रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की थी आज। ये नारियल और थोड़ा मैंने मिल्क पाउडर का मावा बनाया और ड्राई फ्रूट्स और इलायची डाल के बनाया। और ये हैं पूड़े जो हमारे यहाँ बनते हैं। और ये है छोले की सब्जी। तो बस इसकी पहले थाली लगाएंगे, फिर उसके बाद करेंगे पूजा। ये हैं अभी मिट्टी लेने के लिए पार्क में। और हमारा श्रियांश भी रेडी हो गया। श्रियांश सबको हेलो बोलो, हेलो बोलो, और बोलो हैप्पी तीज। जी नहीं निकालते, बोलो हैप्पी तीज। तो आप लोगों को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी लोग कैसे तैयार हुए शेयर करना। और मैंने भी साड़ी पहनी है और थोड़ा सा मेकअप कर लिया है, नॉर्मल जैसे रहते हैं डेली में वैसे ही। तो चलिए चलते हैं, फिर लगाते हैं तीज की थाली और फिर पूजा करेंगे। और पूजा करने के बाद फिर घर पर सभी लोगों से बात करेंगे, आशीर्वाद लेंगे क्योंकि वो लोग हमारे साथ यहाँ नहीं हैं। बट फोन पे मम्मी से, पापा से, दीदी से, भाभी, भैया, सभी लोगों से बात करके आशीर्वाद लेके और फिर खाना वगैरह खाएंगे। तो चलिए लगाते हैं तीज की थाली। सिरान चलो, मम्मा पूजा करेगी, चलो आ जाओ, आ जाओ जल्दी से। चलिए अब चलते हैं पूजा करने के लिए। आ जा सिरियांस, बनवा ले सिरियांस। चलो तुम मेरे पास। मैं सिद्धांश को बोल रही थी सिद्धांश आप भी कलावा बनवा लो, बट वो चला गया दूसरे रूम में, बोलता है मुझे नहीं बनवाना है। फिर मैं संजीव से अपने हाथ पे कलावा बनवाऊंगी क्योंकि कलावा बनवाने के बाद ही पूजा करते हैं। और संजीव मिट्टी और फल, वो सॉरी फल फूल लेके आए थे। तो वो मिट्टी की हम लोग ना गौर माता बनाते हैं, तो बस वही मैंने बना के रख दिया है, अभी आप लोगों को दिखाएंगे। और ये हरियाली तीज सब जगह मनाई जाती है, बट हाँ सब जगह थोड़ा पूजा करने का जो स्टाइल है थोड़ा सा अलग अलग होता है। हमारे यहाँ अलग है, आपके यहाँ शायद अलग होगा, बट फाइनली है हरियाली तीज। तो बहुत अच्छा लगता है जब लड़कियां मायके में आती हैं तीज मनाने के लिए और झूला झूलते हैं। बट वो सब चीज़ें तो अब बहुत बहुत पीछे रह गई हैं। ये सब कब मौका आएगा कुछ पता नहीं है क्योंकि घर से इतना दूर हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे तो में, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना बहुत ही मुश्किल है। और ये हैं गौर माता और इनको हम रेड कलर के कपड़े से ओढ़ाएंगे
और फिर रेड कलर की ही बिंदी इनको लगाएंगे और उसके बाद रोली और चावल से इनका तिलक करेंगे और जो जल रखा है उनको वो जल हम चढ़ा देंगे और आरती भी जलाएंगे। तो वही सब काम कर दिया है, बस उसके बाद फिर चढ़ा देंगे ये जल जाके। अब यहाँ तुलसी तो है नहीं तो बट सूर्य देवता पे जल चढ़ा देंगे। और श्रेयांश अब आया है मेरे साथ जल को देखने के लिए कि मम्मा आप क्या कर रही हैं। बट फिर पूजा करने के बाद सभी लोगों से फ़ोन पर आशीर्वाद ले लिया। और उसके बाद फिर ये फ़ोटो तो बहुत ज़रूरी है, जब तैयार हों तो एक दो फ़ोटो तो ज़रूर बनने चाहिए। तो बस वही मैं, श्रेयांश, संजीव तीनों ही। बट आजकल श्रेयांश देखिए फ़ोटो बनने के टाइम पे ना जीभ निकालता है, मतलब फ़ोटो को ख़राब करने की कोशिश करता है पूरा। बट ठीक है, बच्चे ऐसे ही करते हैं शायद। और बस अब आगे का काम करेंगे। इवन अभी उसके बॉक्स में थे लेकिन उसने फिर भी इसको ना खोल दिया, तो मैंने कहा कि लाओ उसको डब्बे में खरीद देती हूँ। तो अब सारा काम हो गया है, बस अब बर्तन वगैरह भी क्लीन करने के बाद फिर करते हैं थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि आज सुबह उठ गए थे 5:30 पे, क्योंकि जल्दी जल्दी मैंने सोचा कि काम कर लेंगे। तो बस वही, और आज क्लाइमेट बहुत अच्छा हो रहा है, एकदम धूप नहीं है बिल्कुल भी। देखिए तो चलिए फिर चल करते हैं ब्लॉग का एंड। और पूजा भी हो गई, खाना भी हो गया, सब कुछ हो गया, और बस बर्तन भी साफ कर दिए हैं, मशीन लगाई है, कपड़े डाल दिए धुलने के लिए। और श्रेयांश ये बैठा है अपनी टैबलेट देख रहा है। और बस फिर चलते हैं। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।